अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रूही न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं कोर्ट मिठन से। हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद राही के मुताबिक स्कॉटिश गवर्नमेंट के फंडेड प्रोग्राम रीड्स पाकिस्तान टेयर फंड के ज़ेर एहतमाम सैलाब से तबाह हाल पसमानदा तरीन गाँव हाजीपुर की सैकड़ों सैलाब से मुतासर देहात खवातीन में फीकस दो बकरियां और इनकी खुराक तकसीम कर दी गई है। रेट्स पाकिस्तान और टेयर फंड की तरफ से मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक राजनपुर ने कहा कि राजनपुर जिला के ज्यादातर देहातों में लोगों का गुजर बसर मवेशी पालने में है। इदारा रेट्स पाकिस्तान और टेयर फंड ने बकरियों की तकसीम से देहाती इलाकों के लोगों की मुश्किल आसान कर दी। बकरियों की देखभाल करके इनसे न बच्चों के लिए दोस्त हासिल किया जाए बल्कि इनकी बढ़ोतरी और अफजाइश नस्ल से वो खुद को माली तौर पर मुस्तहकिम करेंगे और गुरबत के खात्मे के लिए मददगार साबित होंगे। इदारा रेट्स पाकिस्तान के हेड शाहिद सलीम ने कहा कि मुतासरीन सैलाब में खादें फास्फोरस जिंक और मुर्गियां भी तकसीम कर चुके हैं। मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। दिन रात एक करके मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं।